हाँ जी दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी खबर आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने कल वीडियो के माध्यम से आप सभी को अप्रोच की थी वी सपोर्ट का नारा लगाने के लिए और एनटीए की शिकायत के लिए इस मुहिम में जुड़ने के लिए। तो आप सभी का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स हमें यहाँ पर देखने को मिला है, और उसी के मद्देनजर ये जो लेटर हमने तैयार करना था वो बिल्कुल तैयार यहाँ पर कर लिया गया है। जल्दी से हम उस लेटर पर नजर डाल लेते हैं, लेकिन यहां पर एक गुजारिश मैं आप सभी से करना चाहता हूं, वो ये कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल फ्री हैं, हर चीज की कॉस्ट होती है डियर। इस लेटर को तैयार करने में समय और पैसा दोनों लगा है, तो ऐसे में आपको भी बढ़ चढ़कर इस मुहिम में हिस्सेदारी लेनी होगी, पूरा सपोर्ट यहां पर बनाए रखना होगा। बढ़ते हैं लेटर में। सेवा में माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, शिक्षा मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली। विषय, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की शिकायत बाबत। महोदय, मेरा नाम अमन बंसल है और मैं यूजीसी नेट परीक्षा का अध्यापक हूँ। समस्त छात्र छात्राओं की ओर से मैं आपसे इस परीक्षा के संबंध में कुछ समस्याएं साझा करना चाहता हूँ। आपके पास समय कम है, इस वजह से संक्षेप में सब प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। एनटीए द्वारा जब से इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, तब से ही समस्त छात्रों को विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एनटीए द्वारा गत वर्ष भी बहुत सी समस्याएं रही थी, लेकिन इस बार के दिसंबर 2020 और जून 2021 नेट एग्जाम साइकिल में मुख्य तौर पर समस्याएं खड़ी हुई। सबसे पहले तो एनटीए ने कोरोना के चलते मई 2021 में होने वाली परीक्षा को रद्द कर दिया था, जो कि ठीक है, पर उसके बाद लगातार 4 से 5 बार परीक्षा को रद्द किया, ये कहते हुए कि अन्य मुख्य परीक्षा बीच में आ रही थी। एक ही कारण को इस्तेमाल करते हुए 4 से 5 बार परीक्षा को रद्द किया जाना बहुत ही अनपेक्षित है। अनपेक्षित का मतलब अनएक्सपेक्टेड है। इसके अलावा ये मुख्य परीक्षा कौन सी थी, इसके बारे में एनटीए ने कुछ स्पष्ट भी नहीं किया, जिसका खामियाजा स्टूडेंट को भुगतना पड़ा, क्योंकि हर बार जब भी परीक्षा वलत करने की बात आती, उनकी परीक्षा को लेकर बनाई गई रणनीति पर पानी फिर जाता था, जो कि मनोवैज्ञानिक तौर पर उनका आत्मविश्वास तोड़ देता था। यही नहीं, अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा से संबंधित आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध करवाने में एनटीए असमर्थ साबित हुई है। विभिन्न छात्रों ने हमें अपनी शिकायत पहुंचाई, जिसमें कंप्यूटर में खराबी से लेकर परीक्षा केंद्र पर लाइट जैसी बुनियादी सुविधाएं भी मुहैया नहीं करवाई गई थी। लाइट को लेकर एक वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करवाई थी, जम्मू कश्मीर में स्टूडेंट थे, एग्जाम हॉल के अंदर लाइट भी प्रोवाइड नहीं करवाई गई थी, उसी के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। इसके अलावा एनटीए से इस बारे में वेबसाइट पर दिए गए नंबर पर संपर्क करने पर भी गलत और अधूरी जानकारियां साझा की जाती है, ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है। तो काफी संक्षेप में मैंने ये चीज लिखी है और यहाँ पर बताया भी है, ये कुछ संक्षेप में पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। अतः जल्दी से जल्दी एनटीए पर इस संबंध में कड़ी कार्रवाई करते हुए समस्त छात्रों को राहत प्रदान करें। और आप सभी जानते हैं कि कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, इस वजह से ये जो पत्र है वो डाक के माध्यम से नहीं भेजा गया, और दूसरा कारण इसका ये है कि डाक के माध्यम से भेजा जाता तो शायद बहुत देर यहाँ पर हो जाती, और ये एक ऐसा एक्शन है जो तुरंत लिया जाना चाहिए। इसकी एक प्रतिलिपि यहाँ पर हमने यूजीसी को भी भेजी है। अब ये जो लेटर था वो हमने भेज दिया है, लेकिन इस चीज के लिए डायरेक्ट अप्रोच की भी जरूरत है। एक स्टूडेंट ने भी हमें इसके बारे में कहा था कि ट्विटर पर इसके बारे में आप जरूर अभियान चलाएं, तो ट्विटर पर आप सभी को आना होगा। अगर आप ट्विटर पर ऑलरेडी हैं, आईडी आपकी है, तो जल्दी से आप एबी गुरुजी सर्च करके वहां पर इस ट्वीट को रीट्वीट करें, कमेंट बॉक्स में जाके हैशटैग यूज करते हुए आगे की ओर बढ़ें। और अगर आप ट्विटर पर नहीं है तो अभी के अभी आईडी बनाए और ट्विटर पर जाके ए बी गुरुजी सर्च करके रीट्वीट करके ये काम जरूर करें। हमने अपनी तरफ से सारा काम कर दिया है, अब आप सभी स्टूडेंट्स की बारी है डियर। अगर आज आप एक नहीं हुए तो भविष्य में आपको इसी तरीके से समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आवाज उठाने का काम था वो हमने कर दिया है, अब इस आवाज को आगे तक पहुंचाना आपका काम है। बहुत बहुत धन्यवाद।